प्रिय श्रोतागण एवं मित्रों, मेरी हार्दिक शुभकामना, आप लोग सुखी रहें, संपन्न रहें, स्वस्थ रहें। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जिस आस्था प्यार स्नेह के साथ आप लोग मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपना विचार दे प्रकट कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आप लोग इसी तरीके से मेरे कार्यक्रम को देखते रहिए, मेरा भी पूरा प्रयास रहेगा कि अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको अधिक से अधिक कुंडली भाव राशि युक्ति का ज्ञान प्राप्त कराऊं। आज एक बहुत अच्छा प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहा हूँ, और शांतिपूर्वक आप लोग सुनिए। चंद्र शुक्र केतु ग्रह की युक्ति, चंद्र शुक्र केतु ग्रह की युक्ति कुंडली में किसी का है तो प्रत्येक भाव में कैसा खेलता है खेल आपके साथ, इसको देखिए। जिसकी कुंडली में लग्न में चंद्र शुक्र केतु की युक्ति है, ऐसे लोग सेक्सी होते हैं, ऐसे लोग शंकित होते हैं, सोच इनकी अच्छी नहीं होती है, विवादों में रहते हैं। जिसके कुंडली में दूसरे भाव में चंद्र शुक्र केतु की युक्ति हो, ये गलत तरीके से धन कमाते हैं, ऐसे लोग कम परिश्रम में अधिक उन्नति चाहते हैं, ऐसे लोग के जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव बना रहता है। जिसके कुंडली में तीसरे भाव में चंद्र शुक्र केतु की युक्ति हो, ऐसे लोग का माता पिता से संबंध अच्छा नहीं रहता है, माता पिता का सुख नहीं पाते हैं, माता पिता के द्वारा दिए हुए जमीन जायदाद को भी बर्बाद कर देते हैं। जिसके कुंडली में चौथे भाव में चंद्र शुक्र केतु की युक्ति हो, ऐसे लोग सेक्सी विचार के होते हैं, ऐसे महिला हो पुरुष हो, महिला है कई पुरुषों से संबंध रखती है, पुरुष है तो कई महिलाओं से संबंध रखता है, ऐसे लोग फालतू इनके खर्च होते हैं और गलत नशा पानी भी इनके पास रहता है। जिसके कुंडली में पांचवें भाव में चंद्र शुक्र केतु की युक्ति हो, ऐसे लोग की शिक्षा अधूरी रह जाती है, ये विद्वान नहीं हो पाते हैं, इनका करियर अच्छा नहीं बन पाता है, और हमेशा ये विवादों में रहते हैं। जिसके कुंडली में छठवें भाव में चंद्र शुक्र केतु की युक्ति हो, ऐसे लोग शत्रुओं से परेशान रहते हैं, ऐसे लोग कई केस मुकदमा लड़ते हैं, नौकरी में सस्पेंड हो जाते हैं, अधिकारियों से विवाद रहता है। जिसके कुंडली में सातवें भाव में चंद्र शुक्र केतु की युक्ति हो, इनका दाम्पत्य जीवन बहुत सुखदायी होता है, संतान भी योग्य होते हैं, ऐसे लोग सुंदर भोजन वस्त्र आवास के शौकीन होते हैं। जिसके कुंडली में आठवें भाव में चंद्र शुक्र केतु की युक्ति हो, ऐसे लोग इनका स्वास्थ्य सही नहीं रहता है, सर्दी खांसी सी से परेशान रहते हैं, आँख के रोग से परेशान रहते हैं, स्वास्थ्य के कारण ये कभी अच्छा उन्नति नहीं कर पाते। जिसके कुंडली में नौवें भाव में चंद्र शुक्र केतु की युक्ति हो, ये अचानक उन्नति करते हैं, सरकार से भी इनको पद मिलता है, स्वतंत्र विचार के होते हैं, उद्योगपति होते हैं, इनका जीवन पूर्ण सफल होता है। जिसके कुंडली में दसवें भाव में चंद्र शुक्र केतु की युक्ति हो, ऐसे लोग अचानक घाटा खाते हैं, ऐसे लोग कई व्यापार करते हैं, इनके दिमाग स्थिर नहीं रहती है, बुद्धि चलायवान होते हैं। जिसके कुंडली में ग्यारहवें भाव में चंद्र शुक्र केतु की युक्ति हो, ऐसे लोग करोड़ों रुपया कमाते हैं, ऐसे लोग केमिकल सोना चांदी जमीन संबंधी व्यापार से अच्छा उन्नति अच्छा धन पाते हैं। जिसके कुंडली में बारहवें भाव में चंद्र शुक्र केतु की युक्ति हो, ऐसे लोग विदेश जाते हैं, ऐसे लोग विदेश में व्यापार करते हैं, विदेश संबंधी नौकरी करते हैं, ऐसे लोग के हीरो से हीरो बनते हैं, रंग से राजा बनते हैं, और शौकीन मिजाज के होते हैं। ये बहुत छोटा सा प्रोग्राम आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, इसको सुनिए, इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मेरे प्रत्येक वीडियो में मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ, आप संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई मित्रगण मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना इच्छुक हैं
तो आप मेरे फोन पर संपर्क करिए, उसके लिए आपको कुछ शुल्क देना होगा, शुल्क देंगे पूछ लेंगे, शुल्क देंगे तब मैं विवेचन कर दूंगा। मेरा फ़ोन नंबर 9425308111। इतना कहते हुए आपसे मैं विदा ले रहा हूँ, नमस्कार।